जी स्टूडेंट्स अब हम अपने चौथे दिन के काम की तरफ चलते हैं तो चलिए सबसे पहले अपनी इंग्लिश की बुक्स निकालिए इंग्लिश की बुक्स में हम आपका यूनिट नंबर टू रीड कर रहे हैं और आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा जी स्टूडेंट्स यूनिट नंबर टू पेट्रियोटिज्म की रीडिंग इन तमाम पॉइंट्स की रीडिंग हम कल तक कंप्लीट कर चुके हैं आज हम लास्ट पॉइंट की रीडिंग करेंगे जी तो ये आज हमारा लास्ट पॉइंट है डे फोर पर पेट्रियोटिज्म

महज एक एहसास का नाम नहीं है बल्कि ये एक मुसलसल जिंदा रहने वाला वलवला है स्पिरिट है जज्बा है जो कि मुतासर करता है और रहनुमाई करता है किसी भी कौम की इन वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में डिवॉइड ऑफ पेट्रियाटिक स्पिरिट डिवॉइड ऑफ महरूम एक आदमी जो महरूम हो वतनी के जज्बे से पेट्रियोटिक स्पिर वतनी के जज्बे से इज द इज लाइक द वन हु वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ब्रीड्स ब्रीड्स क्या वर्ड है ये ब्रीड्स ब्रीड्स देयर द मैन विथ सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड दिस इज माय ओन माय नेटिव लैंड वो बिल्कुल एक ऐसे इंसान की तरह होता है कि जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मर चुकी होती है जिसने अपने आप से हिमसेल्फ हैथ सेड ये ओल्ड लैंग्वेज में हैथ लिखा हुआ है जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा होता कि दिस इज माई ओन ये मेरी अर्ज पाक है माई नेटिव लैंड ये मेरा वतन है तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट नंबर फाइव आज डे फोर पर आपने अच्छी तरह से रीड करना इस तरह हमारा ये यूनिट ऑफ पेट्रियोटिज्म कंप्लीट हो जाएगा यूनिट नंबर टू पेट्रियोटिज्म की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी आज हमने आपको थीम भी पढ़ानी है थीम भी अक्सर औकात क्वेश्चन आंसर्स में आ जाती है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन पेट्रियोटिज्म तो आपको ये थीम भी जुबानी याद करनी होती है एज ए क्वेश्चन जिसका आपने आंसर ये थीम याद करके लिखना होता है तो आज आपने ये भी एक क्वेश्चन की तरह अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करना है दट इज द थीम ऑफ द यूनिट पैट्रियोटिज्म द यूनिट इज अबाउट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियोर्ट एंड हाउ पेट्रियोर्ट्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री The unit is about the spirit of patriotism. It tells about the qualities of a patriot and how patriots look after the interest and progress of their country. तो स्टूडेंट्स ये थीम भी आज आपने डे फोर पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर एज ए क्वेश्चन नोट करनी है और इसका आंसर आपने लिखना है अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर जी स्टूडेंट अपने स्टैंडर्ड notes निकाल लीजिए पेट्रियोटिज्म के क्वेश्चन answers के लिए जी स्टूडेंट्स डे फोर पर आपने ये दो क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एंड ट्वेंटी व्हाट मेक्स अ स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन आंसर इज द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन और दूसरा क्वेश्चन हम ये करेंगे हाउ विल यू इलेबोरेट कायदे आजम मोहम्मद अली जनाज कोट we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into a united and strong nation. answer is this quote means that unity is a source of strength. strength for a nation and unity can be created through Yeh kya word hai? through patriotism, through patriotism. तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आप आज डे फोर पर अपने इंग्लिश के नोटबुक्स पर नोट भी करेंगे और इनको आपने जुबानी याद भी करना है स्टूडेंट्स इजी अप्रोच ग्रामर में जो हम आपको कंटिन्यूस टेंसेस के मुतालिक पढ़ा रहे थे आज उसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे हाउ नेगेटिव एंड इंटरवेंटिन्यूस टेंसेज तो ये तरीका हम देख लेते हैं कि कैसे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं वेयर एवर अ हेल्पिंग वर्ब इज यूज नॉट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब टू मेक दैट सेंटेंस नेगेटिव यानी जहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा इस टेंस के अंदर तो उसके फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स क्या आते हैं जैसे इज एम आर वॉज वर विल बी शेल बी तो हम इज नॉट एम नॉट आर नॉट वॉज नॉट वर नॉट विल नॉट बी शेल नॉट बी जब हम इस तरह से इस नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब्स के फौरन बाद नॉट लगा देंगे तो जुमला नेगेटिव बन जाएगा एंड द हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू मेक इट इंटरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब को इसी इज एम आर वॉज वर्क विल बी शेल बी को हम जुमले के शुरू में अगर ले आएंगे तो जुमला इंटरोगेटिव यानी सवालिया बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट गोइंग इज के फोरन बाद नॉट लगाया बाद नॉट लगाया फॉरन बाद नॉट लगाएंगे बी उसके आगे आएगा विल विल बी नॉट नहीं करना आपने विल नॉट बी शेल नॉट बी इस तरह लगाएंगे तो अब इन्हीं को अगर हमने सवालिया बनाना हो तो कैसे होगा ये जो विल है जुमले के शुरू में आ जाएगा विल ही बी गोइंग विल ही बी गोइंग नॉट टू लगाना नहीं ना जरूरी इसके अंदर विल ही बी गोइंग अगर सिर्फ एक पॉजिटिव असर्टिव जुमले को हमने नेगेटिव बनाना आ, सवालिया बनाना होगा तो हम सिर्फ विल को जुमले के शुरू में लेंगे यानी हेल्पिंग वर्क को जुमले के शुरू में लेंगे विल ही बी गोइंग वॉज ही गोइंग इज ही गोइंग इस तरह से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे अब मैं आपको ये एक टेबल की फॉर्म में समझाती हूँ जी स्टूडेंट्स मैंने ये एक टेबल बनाया है आपकी आसानी के लिए अगर आपको ये मुश्किल लग रहा होगा तो इस टेबल को देखने के बाद आपको आसानी से ये वर्ब टेंस समझ में आ जाएगा जी स्टूडेंट्स देखिए वर्ब टेंस अगर हम यहां पर लिखे कि ये कंटिन्यूस टेंस है आप चाहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूअस अलग अलग भी लिख सकते हैं तो पहली चीज हम क्या किसी वर्ब टेंस में पढ़ते हैं डेफिनेशन यही पहला सवाल भी है जिसका जवाब है डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूस टेंसेज की जी एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर वर्ब टेंस है आपका कंटिन्यूस टेंसेस पहली चीज मालूम होनी चाहिए हमें डेफिनेशन तो डेफिनेशन ये है एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर दूसरी चीज होती है उर्दू रिकॉग्निशन उर्दू रिकॉग्निशन में अगर आप गौर करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है रही है रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस में रहा था रही थी रहे थे फ्यूचर में रहा होगा रही होगी रहे होंगे फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों के लिए एक ही दफा लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया गया आप यहाँ चाहें तो फॉर एग्जाम्पल लिखिए वर्क प्लस आई एनजी वर्किंग हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ चले जाइए आप तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ग फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शेल बी इस्तेमाल होते हैं और मेथड ऑफ मेकिंग नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एक ही दफा लिख देना काफी होता है अलग अलग तीनों दफा लिखना एक ही बात जरूरी नहीं है नॉट इज प्लेस जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव एंड हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू मेक इट इंटरोगेटिव यानी नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे तो जुमला नेगेटिव बन जाएगा और सवालिया यानी इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये टेबल आप अगर अच्छी तरह से इसको देख लें तो आप इसको अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर बनाइए बिल्कुल इसी तरह जो आपको पांच सवाल अभी पढ़ाए हैं कंटिन्यूस टेंसिस के मुतलिक वो यही टेबल है दरअसल अगर आपको ये टेबल बनाना आ जाएगा और आप इस तरह से कंटिन्यूस टेंस को एक्सप्लेन कर सकेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा कल से हम अपनी कंटिन्यूस टेंसेज की ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि आपको ये टेंस और भी क्लियरली समझ आ जाए लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले आपको पता हो कि कंटिन्यूस टेंसेज में हम क्या पढ़ते हैं ये पांचों चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से जुबानी याद होनी चाहिए डे फोर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डे में हमने हमने क्वेश्चन नंबर तक मुकम्मल कर लिया था अब डे फोर में क्वेश्चन नंबर थ्री से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इन अ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड बाय रिक्शा टैक्सी बस एंड कार अब 126 टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 126 स्टूडेंट हैं जिसमें जो 14 स्टूडेंट हैं वो रिक्शा के जरिए जाते हैं नौ स्टूडेंट जो हैं टैक्सी के जरिए जाते हैं 75 स्टूडेंट बस के ज़रिए जाते हैं और 28 जो स्टूडेंट हैं वो कार के जरिए यानी ये चीज़ें यूज़ करते हैं घर जाते हुए या यूनिवर्सिटी आते हुए कॉलेज आते हुए यही वाली चीज़ें यूज करते हैं अब फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु रिक्शा टू टैक्सी अब रिक्शा और जो टैक्सी में स्टूडेंट जाते हैं उनका रेशो बताएं फिर टैक्सी और बस टैक्सी और बस का रेशो बताएं वो कितने स्टूडेंट जाते हैं इनके रेशो क्या है टैक्सी और कार का बताएं कि इनमें रेशो कितने रेशो स्टूडेंट इनमें जाते हैं अब सबसे पहले हम क्या करते हैं रिक्शा रेशो टैक्सी अब रिक्शा में हमारे पास 14 है स्टूडेंट जाते हैं टैक्सी में 9 जाते हैं तो 14 और 9 ये और सिंप्लीफाई क्योंकि 14 पे 2 वाला टेबल जाता है 9 पे 2 वाला टेबल जाता नहीं है नाइन पे थ्री वाला टेबल जाता है इस पे थ्री वाला जाता है तो ये सिंपलेस्ट रेशो है ये, आ, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था टैक्सी टू बस टैक्सी टू बस टैक्सी में नौ स्टूडेंट जाते हैं बस में सेवेंटी फाइव अब देखें अब नाइन पे थ्री वाला टेबल जाता है सेवेंटी फाइव पे भी थ्री वाला जाता है अब थ्री थ्री ज़र नाइन तो इधर आंसर आ जाएगा थ्री पर इधर थ्री वाले पर जाता है तो ट्वेंटी फाइव थ्री 75। सेवेंटी फाइव यानी दोनों पे थ्री वाले टेबल से ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं दोनों को जब अगर सिंपलीफाई करना होता है तो एक ही टेबल से सिंपलीफाई करना है तो नाइन और सेवेंटी फाइव को एक ही टेबल कौन सा थ्री वाला थ्री थ्री ज़ार नाइन हो जाएगा ट्वेंटी फाइव थ्री हज़ार सेवेंटी फाइव हो जाएगा ठीक है इसके बाद थ्री पार्ट है टैक्सी टू कार टैक्सी टू कार यानी टैक्सी में नौ स्टूडेंट जाते हैं और कार में ट्वेंटी एट जाते हैं अब नाइन पे थ्री वाला वही पहले वाली बात थ्री वाल टेबल है ट्वेंटी एट पर थ्री टेबल जाता नहीं है तो दोनों सिम्पलीफाई हो नहीं सकते हैं फर्दर पर यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं ये सारा जो जितना भी एक्सरसाइज है ये रेशो की है रेशो की है ठीक है रेशो बहुत सिंपली बहुत ही आसान है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं इन अ स्कूल लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी में देयर आर सेवन बुक्स ऑन मैथमेटिक्स अब एक स्कूल की लाइब्रेरी है उसमें सेवनटी फाइव जो है मैथमेटिक्स की बुक्स पड़ी हुई हैं वन वन फाइव इंग्लिश की बुक्स हैं एटी फाइव केमिस्ट्री की हैं एंड सिक्सटी फिजिक्स की बुक है फाइंड द रेशो अब इनमें रेशो बतानी है ठीक है मैथमेटिक्स बुक्स टू इंग्लिश मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बुक की रेशो बतानी है इंग्लिश और केमिस्ट्री की बुक की रेशो बतानी है इंग्लिश और फिजिक्स की बुक की रेशो बतानी है फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक की रेशो बतानी है फिजिक्स और मैथ की बतानी है और मैथ और केमिस्ट्री okay, और मैथमेटिक्स की बतानी है ये छह क्वेश्चन बता से बताएं अब छह क्वेश्चन में सबसे पहले है मैथ और इंग्लिश मैथ बुक रेशियो इंग्लिश बुक अब मैथ की बुक हमारे पास 75 फाइव है इंग्लिश की बुक वन वन फाइव है इसका सिंपल फॉर्म करने के क्या होता है हमारे पास जिसकी एंड वल देखें आखिरी वैल्यू क्या इसकी 5 है इसकी फाइव है इसकी आखिरी वैल्यू फाइव है जिसके आखिर में जीरो या फाइव आ जाए तो वो से आउट हो सकती है वैल्यू इसलिए मैंने लिख दिया डिवाइड बाय तो दोनों फाइव से डिवाइड हो सकती हैं अगर हम इसको फाइव से डिवाइड करें तो ये फिफ्टीन आता है अगर इसको फाइव से डिवाइड करें तो ये ट्वेंटी थ्री आता है इसके बाद ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती थ्री पे कोई टेबल भी डिवाइड नहीं होता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं इंग्लिश बुक्स केमिस्ट्री बुक्स अब इंग्लिश बुक्स 115 है केमिस्ट्री 81 देखें फिर लास्ट वाली वैल्यू ऑफ 5 आ गई जब लास्ट वाली वैल्यू ऑफ 5 आ जाए तो हम 5 पे डिवाइड करते हैं दोनों को 5 पे डिवाइड करें जब इसको 5 पे डिवाइड करें 23 आ जाएगा इसको 5 पे डिवाइड करें 17 तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी अब इंग्लिश बुक्स रेशियो फिजिक्स बुक अब इंग्लिश की वन वन फाइव है अब देखिए इधर इधर है है मैंने कहा और आ जाए तो वो दोनों फाइव से कैंसिल आउट हो सकते हैं तो इधर फिर भी मैंने डिवाइड बाई फाइव लिख दिया है इसको भी फाइव से डिवाइड करें ट्वेंटी थ्री इसको फाइव पर डिवाइड करें तो यह क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा इस तरह क्वेश्चन नंबर फोर है फिजिक्स बुक्स वर्स रेशियो केमिस्ट्री बुक्स अब फिज़िक्स की बुक 60 है केमिस्ट्री की बुक 85 है फिर देखें इधर जीरो है इधर फाइव है फिर फाइव पे डिवाइड होते हैं तो दोनों को फाइव पे डिवाइड करें तो हमारे पास इधर रेशियो ट्वेल्व बनती है इधर सेवनटीन तो ट्वेल्व रेशियो सेवनटीन हो जाती है फाइव क्वेश्चन है फिजिक्स बुक्स मैथ बुक्स अब फाइव फिजिक्स बुक सिक्सटी है मैथ की सेवनटी फिर वही चीज़ है देखें फाइव और जीरो तो दोनों पे फाइव और टेबल से कैंसल आउट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा फोर आ जाएगा इसको फाइव से करें तो ये फाइव आ जाएगा दो दफ़ा फाइव से डिवाइड होगा देखें फिर बता देते तो इसको एक सिक्सटी है एक सेवनटी फाइव है तो सिक्सटी रेशो सेवनटी फाइव तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो सिक्सटी को फाइव पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाता है ये आपका आंसर इधर आता है इधर थोड़ा सी गलती हुई है मिस्टेक हो गई है इधर ट्वेल्व आंसर आता है और इधर ट्वेंटी फाइव आ जाता है ठीक है ये मैंने सिम्पलीफाई कर भी दिया इधर ठीक है सिक्सटी और 75 फाइव को अगर फाइव पे डिवाइड करें तो इधर हमारे पास 12 आ जाएगा इधर 25 आ जाएगा केमिस्ट्री और मैथ की बुक की रेशियो 85 और 75 तो ये देखें ये आखिर में फिर 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये सेवनटीन फाइव हज़ार एटी फाइव होता है ये फ़िफ्टीन फाइव हज़ार सेवनटी फाइव यहाँ पर हमारा डे जो है फोर कंप्लीट हो जाएगा अब इसके बाद हम डे फाइव में जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो डे फाइव में पढ़ेंगे यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है इसके बाद हम एक्सरसाइज़ पढ़ेंगे वन पॉइंट फोर वो डे फाइव में पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट, अब हम डे का, यानी छ मई का पीरियड शुरू करते हैं उर्दू का पीरियड शुरू करते हैं सर। जी स्टूडेंट अब हम डे फोर में यहां से शुरू करते हैं और आखिर तक हम इसकी आज रीडिंग कंप्लीट करेंगे आप इसको गौर से देखिए और मेरे साथ साथ पढ़िए एक सोहबत में मिर्जा मीर दकी मीर की तारीफ कर रहे थे शेख इब्राहिम जोक भी मौजूद थे उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी मिर्जा ने कहा मैं तो तुमको मीरी समझता था समझता हूँ मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं सौदाई जो है वो वैसे जो है उर्दू में किसी पागल को कहते हैं हालांकि उन्होंने चूंकि सौदा के साथ सौदाई लगाया तो वो एक, एक ज़राफ़त की मिसाल पेश होगी मेरी मीरी जो है वो मीर के हवाले से उनको कहा बावजूद कि मिर्जा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था यानी बहुत ही कम आमदनी थी और वो उनकी जो हस, हसियत थी वो भी कम थी मगर खुददारी और हिफ्जे वजा को वो कभी हाथ से ना जाने देते थे हिफ्जे वजा का मतलब था वजादार बहुत थे यानी अपने आप को कभी भी कमतर जाहिर नहीं करते थे अपनी वजादारी की हिफाजत किया करते थे शहर के उमराओ अमायद से बराबर की मुलाकात थी उमरा मतलब अमीर लोग अमायद मतलब मज्ज़ लोग बहुत बड़े बड़े उम्र और वजी से उनकी बराबर की मुलाकात थी कभी बाजार में बगैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे हवा हाँ जी अमायद शहर में से जो लोग उनके मकान पर आते थे ये भी उनके मकान पर जरूर जाते एक रोज किसी से मिलकर नवाब मुस्तफा खान मरहूम के मकान पर आए मैं भी उस वक्त वहां मौजूद था यानी मैं भी से यह ये हाली लिख रहे हैं तो इसलिए वो अलताफ़ हुसैन हाली है वो कहते हैं मैं भी उस वक्त वहां मौजूद था नवाब साहब ने कहा आप मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था मिर्जा साहब ने कहा मुझको फला साहब का एक आना देने देना था अव्वल वहां गया था वहां से यहाँ आया हूँ यानी किसी साहब को एक आना उस जमाने में आना हुआ करता था बहुत ही छोटी रकम है एक रुपये में बारह आने होते थे तो एक आना देना था उनको वहां और फिर पहले उस बंदे को वहां वो गए उसका उधार देने और उसके बाद फिर वहां से उनके मुस्तफा खान के मुकाम पर आए एक दिन दीवान फजर उल्ला मरहूम चुर्ट में सवार चुर्ट जो है वो एक रथ रथ होती है रथ जिसके आगे घोड़े लगे होते हैं ना आप पुरानी फिल्में देखें तो आपको नजर आएंगे घोड़े की बग्गी की तरह जो होता है रथ होता है उसमें सवार आए मिर्जा साहब के मकान के पास से बगैर मिले निकल गए यानी वो चोर्ट में सवार हुए और बगैर मिले, मिले मिर्जा साहब के मकान के पास से गुजर गए मिर्जा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुक्का दीवान जी को लिखा मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुका दीवान जी को लिखा मज़मून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई है कि शर्म के मारे मैं ज़मीन में गड़ा जाता हूँ नदामत मतलब शर्मिंदगी होती है वो तो कहते हैं मुझे इतनी शर्म आई कि आप मेरे मकान के अंदर आए बगैर मुझसे यहाँ से गुजर गए इससे ज्यादा और क्या नालैक हो सकती है कि आप कभी न कभी तो इस तरफ से गुजरें और मैं सलाम सलाम को हाजिर ना हूँ यानी मैं बाहर मुझे चाहिए था कि मैं बाहर खड़ा होता और मुझे पता होता और मैं आपके आपके सलाम को आता जब ये दीवान जी के पास पहुंचा तो वो नहायत शर्मिंदा हुए और उसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्जा साहब से मिलने को आए यानी मिर्जा इस तरह इस दर्जा लोगों से मोहब्बत से पेश आया करते थे फवाके में आम उनको बहुत मरगूफ था फवाके कहते हैं फल को फलों में आम उनको बहुत मरगूब था आमों की फसल में उनके दोस्त दूर दूर से उनके लिए उम्दा उम्दा आम भेजते थे और वो खुद अपने बाज दोस्तों से तकाजा करके आम मंगवाते थे एक रोज मरहूम बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मसाहबों के साथ जिनमें मिर्जा भी थे बाग हयात बख्श या मेहताब बाग में टहल रहे थे नाम है दोनों बागों का और बहादुर शाह आखिरी मुगल बादशाह थे मुगल के मुगल सल्तनत के आम के पेड़ रंग बिरंगे रंग बरंग के आमों से लद, लद रहे थे यहाँ का आम बादशाह या सलातीन या बेगमात के सिवा किसी को मैसर नहीं आ सकता था यानी या तो बादशाह होंगे या सुल्तान होंगे या बादशाह की बेगमात जो है वो इसको खा सकती थी हर बंदा नहीं खा सकता था मिर्जा बार बार आमों की तरफ देखते थे बादशाह ने पूछा मिर्जा इस कदर गौर से क्या देखते हो मिर्जा ने हाथ बांध कर अर्ज किया इसको देखता हूं कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं बादशाह मुस्कुराए और इसी रोज एक बहंगी उम्दा उम्दा आमों की मिर्जा को भिजवाई बहंगी मतलब वो बड़ी सी जो टोकरी होती है ना बड़ा सा वो पेटी जो होती है उसको कहते हैं तो उम्दा उम्दा आम जो है वो भिजवा दिए मिर्जा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी यानी कभी भी वो नहीं उनकी मिलत नहीं भरती थी वो हमेशा आमों को देख कर आ, खुश हो जाते थे और उनको खाने की उनको चाह होती थी कि वो आम खाते रहे ऐहले शहर तो, तन, तो फतन बेचते थे खुद बाजार से मंगवाते थे बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात के आता था मगर हजरत का जी नहीं भरता था सौगात कहते तोहफे को जी नहीं भरता बिल्कुल वो कहते थे बस आम खाता जाऊं नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम नाकिल थे यहाँ मतलब नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम नाकिल थे मतलब वो उन्होंने नकल किया उन्होंने लिखा कि एक सोबत में मौलाना मुला, फजल हक और दीगर अहबाब मौजूद थे और आम की नस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था कि इसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए जब सब लोग अपनी अपनी कह चुके तो मौलाना फजल हक ने मिर्जा से कहा कि तुम भी अपनी राय बयान करो मिर्जा ने कहा भाई मेरे नजदीक तो आम में सिर्फ दो बातें होनी चाहिए मीठा हो और बहुत हो सब हाजरीन हंस पड़े और ये आपको जो है ना यादगार यादगार गालब से ये सवाने है ये मजमून नहीं है सवाने है जब सवाने का मतलब मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था आपको मौलाना अलताफ हुसैन हानी का तारुफ तो मैंने बताया था सवाने कहते हैं उस मजमून को भी मजमून का टाइप ही होता है जिसमें किसी एक शख्सियत की खूबियों और खामियों के बारे में बताया गया हो तो ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की खूबियों और खामियों के बारे में चंद चीज़ें बयान की गई हैं इसलिए इनको सवाने कहते हैं जी स्टूडेंट अब हम इस डे फोर में इन अल्फाज के माना लिखेंगे आप इन अल्फाज को मैं पढ़ के बता रही हूँ इसको यहाँ से नकल कीजिए अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिखिए और फिर इन्हें याद भी कीजिए अल्फाज थे आप देख लें इश्तियाक मतलब शौक़ बाएं हम इसके इस सब के बावजूद बसात ताकत बेरंग बग़ैर टिकट के चिट रथ वो घोड़ों वाली भग्गी जो होती है हिफ वज़ा वजादारी की हिफाजत सौगात तोहफ़ा हदिया सकीम खराबी जराफ़त हंसी मजाक अमायद फरगल, रुई वाला लंबा कोट फल, फवाशादा पेशानी खुश इखलाक हंसमुख नाकिल नकल करने वाला या बयान करने वाला ये वो नकल नहीं है जो आप करते हैं ये वो बात नहीं है यानी आपने किसी से कोई बात किसी की कोई बात सुनी और फिर उसको आगे बयान कर दिया और बताया कि वो ये कर रहा है तो उसको कहते हैं बयान करने वाला या बात नकल करने वाला नदामत शर्मिंदगी वैसे आप नकल करने वाले नहीं हैं मैंने तो ये कह दिया कि आप नकल करते हैं बहुत सारे लोग नकल करते हैं और आप तो बिल्कुल नहीं करते आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं नदामत शर्मिंदगी युगानगत एक होना या इतफाको इतहाद तो ये है आपके अल्फाज माना जो आपने आज के दिन में अपनी रीडिंग के साथ साथ नोटबुक पे लिखने और याद करने हैं स्टूडेंट्स uh, हम डे थ्री में पाकिस्तानी साइंसदानों के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमने uh, कुछ साइंसदान पढ़ लिए थे और दो साइंसदान रह गए थे जो हमने डे फोर में आज पढ़ने हैं स्टूडेंट्स uh, अगले जो हमारे साइंसदान हैं उनका नाम है डॉक्टर समर मुबारक मान इनकी खिदमत के बारे में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के मुमताज़ एटमी साइंसदान थे इन्होंने अपने पेशा वराना कैरियर में लेज़र के इस्तेमाल फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंटेशन, न्यूक्लियर तशीस और मजाइल टेक्नोलॉजी में तखसीस हासिल की डॉक्टर डा, समर मुबारक मंद को इनकी आला खदम के सिले में सतारा इम्तियाज के एजाज दिए गए हैं आजकल वो पाकिस्तान के कौमी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक कमीशन यानी नेसाम के चेयरमैन हैं अगला जो हमारे पास साइंसदान हैं उनका नाम है डॉक्टर रहमान डॉक्टर रहमान पाकिस्तान के एक मुमताज़ साइंसदान हैं इन्होंने कराची के हुसैन इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट ब्राई कमिस्ट्री में शमूलियत अख्तियार की इनके कोई दो सौ तहकीकी मकाले शाया हो चुके हैं जो आज कल दुनिया की मदद यानी बहुत सी यूनिवर्सिटियों के नसाब में शामिल हैं आपको सतारा इम्तियाज़ दिया गया है तो इस तरह हमारा जो डे फोर का काम था वो ये यही दो पाकिस्तानी साइजान थे जो हमने पढ़ लिए हैं अब आपने ये याद भी करने हैं और अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखने भी हैं